तो इतने ज़्यादा वीडियोस रिलीज करने के बाद इतने ज़्यादा चीज़ें सीखने के बाद अब और और नो फैप के बारे में भी इतनी बात करने के बाद जहाँ तक आपके ब्रांड के साथ और मेरे ब्रांड के साथ नो फैप शब्द जुड़ गया है हाँ अब सेक्स को लेकर आपकी क्या राय हाँ तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा गुड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि आप ये बोल रहे हो क्या कि सेक्स भी खराब है ये भी है तो ऐसा नहीं है मैं ये नहीं वो एक नेचुरल चीज़ है जो दो लोगों में नेचुरली अगर हो तो इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग पता है जो आपने क्रिएटिव एनर्जी के बारे में बात कही हुँ, हुँ. कि आपकी आपका सीमन आपकी क्रिएटिव एनर्जी होती है हुँ. वो जब आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो आपको वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने अपने प्यार के थ्रू हाँ एग्जैक्टली exactly. सो so, uh, मेरे ख्याल से वो जुड़ा हुआ है लाइक like, uh, मतलब पर्सनली मैं वो बोलते हैं ना कि इफ यू आर रियली मेंटली इमोशनली विद सम तो इट हैज़ टू गेट कंप्लीटेड थ्रू द फिजिकल रिलेशनशिप मुझे mm -hmm. लगता है mm -hmm. वो एक होलसम चीज़ है mm -hmm. और उसके बिना नहीं होता है कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं 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 ये बात नहीं हो बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो पूरा तभी होता है वेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टूगेदर एंड दैट

कंप्लीट हो गया पूरा सो दैट्स व्हाट आई फील प्री मैरिटल सेक्स को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता उसमें hmm. uh, मुझे आपके साथ सेक्स नहीं करना <laughs> 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 ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ <laughs> <laughs> नहीं नहीं बट दैट्स व्हाट आई सेड ना कि अगर तुम शादी नहीं है सब सब सबकी शादी नहीं हुई है बट यू आर विथ समवन तो वो मेरे लिए पूरा नहीं है जब तक वो पूरा नहीं है mm -hmm. तो दैट आंसर्स क्वेश्चन कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है है mm -hmm. क्या होना चाहिए लाइक like वो किसी का पर्सनल mm चॉइस -hmm. मैंने मैं हाल ही में एक वीडियो किया था जहां मैंने स्टैट्स mm -hmm. को बहुत स्टडी किया था mm -hmm. और इंडिया में डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं सेपरेशन ज्यादा हो रहे हैं ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं तो मैंने एक सजेशन दी थी कि यार जिस इंसान के साथ आपको आपको शादी करनी है या तो यू शुड डेट देम फॉर थ्री इयर्स या सेवन ईयर्स मतलब बेस्ट इज टू लिव विद देम अगर आपने उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप करी तो फिर hmm. देखो शादी के बाद एक ये चीज बदल जाती है स्पेशली hmm. बंदों के लिए hmm. हर बंदा मोस्टली अकेला रहता है अपने ah, रूम में ah. पौन देखता है हिलाते हैं हर बंदा अकेला रहता है एंड ही पर yeah. शादी के बाद क्या होता है ना आप, आपका स्पेस थोड़ा सा चला जाता ah, है इन अ पॉजिटिव वे

हम हाँ, एक चीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है हो और उस चीज़ का नाम है सेक्सुअल केमिस्ट्री हाँ यानी कि एक कोई इंसान के साथ आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री और ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू समवन एल्स और right. वो भी एक लॉन्ग टर्म फैक्टर डेफिनेटली होता है डेफिनेटली yeah. fact, है ऑन ऑफ मोस्ट इम्पोर्� पर इस चीज के बारे में इंडिया में ज्यादा बात नहीं होती है तो hmm. वाइल प्रमोटिंग सेक्स, सेक्स हाँ, तो नॉर्मल हाँ. हाँ. होती है हाँ. और 2020 थाउजेंड साल है हाँ, हाँ. तो पीपल शुड बी मोर ओपन टू जैसे आपने रूममेट्स में भी चेंज हो जाता इक्वेशन मैंने ये किया मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो हम जैसे साथ रहने लगे तो मैंने देखा कि वो प्रॉब्लम अराइज हुई जो नहीं थी hmm. तो इवन इफ यू मूव इन विद रूममेट जहाँ पे तुम्हारा वैसा नहीं है दो hmm. तीन साल के लिए वहां पे भी तुम्हें फ्रिक्शन दिखाई देगा वो फ्रिज ऐसे छोड़ देगा वो और ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं hmm. कि वो ऐसे छोड़ देगा तुम्हें वो खटकेगा अगर तुम थोड़ा सा क्लीन क्लिनिनेस फ्रीक हो तो तुम्हें, hmm. तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हें अफेक्ट करेगा जैसे hmm. मैं थोड़ा सा हूँ तो वो अगर वो रिलेशनशिप में हो रहा है तो तुम अगर किसी के साथ शादी करोगे तो वो